वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट पॉप्स कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़ा। दही बड़े को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे टिप्सों के साथ इसको बनाया है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, जिससे कि आपके दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। दही बड़े बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी उड़द की धुली हुई दाल ली है और एक कटोरी मूंग की धुली हुई दाल ली है। इनको अच्छे से धो करके हमें 5 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है। मैंने इनको दोनों को एक साथ मिक्स करके भिगोया है, आप इनको अलग अलग भिगो सकते हैं। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसमें पानी डाल करके इसको हम 5 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ देंगे। दाल को भिगोए हुए हमें 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब हम इसका एक बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकाल दिया है। दाल को पीसते टाइम हमें बहुत कम पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना के तैयार करना है। पेस्ट को हमें किसी बड़े बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि इसमें हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से। पेस्ट हमारा पिस करके तैयार है। अब हमें इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लफी बनाना है। हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके लिए एक आपको एक बड़े बाउल का इस्तेमाल करना हो। ये हमें एक ही तरफ को घुमाना है हाथ को। तक के लिए दाल को हमें ऐसे ही घुमाना है और इसको हमें एक ही राउंड में घुमाना है। इससे क्या होगा, हमारी दाल में एयर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे कि हमारे दही बड़े एकदम फ्लफी बन करके तैयार होंगे। इसमें हमें कोई सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है या किसी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें बस ये हाथ से ऐसे ही राउंड टू राउंड घुमाना है। आप चाहे तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप सोडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सोडे डालने से दही बड़े जब हम बनाते हैं उसमें बहुत तेल अब्सॉर्ब होता है और दही बड़े हमारे एकदम ऑयली बन करके तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके दही बड़ों में बिल्कुल भी तेल नहीं होगा और आपके दही बड़े एकदम फ्लफी बन करके तैयार होंगे और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। कभी कभी जब दही बड़े बनाते हैं तो उसमें बीच में गांठ सी रह जाती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी दही बड़ों में ना तो गांठ होगी और ना ही ऑयल होगा। लेकिन इसके लिए हमें ये 5 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाना है। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक फ्लफी पेस्ट बना करके तैयार करना है। जब इसको आप इस तरह से घुमाते रहेंगे तो आपका पेस्ट भी डबल क्वांटिटी में बन करके तैयार होगा। देखिए ये कितना ज़्यादा होता जा रहा है। इसको फेंटते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और पेस्ट हमारा बन करके तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पेस्ट किस तरह से तैयार होता है। हमें एक बाउल में थोड़ा पानी लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा पेस्ट डाल के देखना है। अगर आपका पेस्ट ऊपर तैर रहा है तो आपका पेस्ट एकदम फ्लफी होकर के तैयार है। अब आप इसके दही बड़े फ्राई कर सकते हैं। आइए अब हम तेल गरम करते हैं। फ्राई करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें जिस साइज के आप दही बड़े बनाना चाहें उस साइज के आप बना सकते हैं, छोटे या बड़े। आप चम्मच से या हाथ से कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े बड़े दही बड़े बनाने हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है। इसको क्या करना है, पानी में गीला करना है और दही बड़े का पेस्ट लेकर कढ़ाई में डाल देना है। जब हम इसे गीला करते हैं तो हमारा दही बड़ा आसानी से निकल जाता है। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म में ही अपने दही बड़ों को डाल के फ्राई करना है। अगर हम तेल ज़्यादा गर्म करेंगे तो
दही बड़े ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें मीडियम हीट पर ही पका करके तैयार करना है। इतने हमारे दही बड़े फ्राई होते हैं इतने हम उसका पानी तैयार करेंगे जिसमें हमें उन्हें डिप करना है। उसके लिए मैंने ये गुनगुना पानी लिया है, ये थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स करके बस जब हम दही बड़े फ्राई करेंगे तो हम इसमें ही डिप करेंगे। एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाए थोड़ा हल्के से तो इनको हमें पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें जिससे कि आपका तेल ज़्यादा गर्म ना हो। दही बड़े हमारे बिल्कुल सिकर के तैयार हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। एक बार के दही बड़े सिकने में करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है अगर आप मीडियम गैस पे इनको फ्राई करेंगे तो। इन्हें साथ के साथ हींग के पानी में डालेंगे। दही बल्ले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दही बल्लों को सर्व करने के लिए मैं हमें सबसे पहले दही तैयार करनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट वालों की दही कैसी होती है, क्योंकि वो किसी मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना ही इसको किसी रई से चलाते हैं, वो सिर्फ दही को छन्नी में ही छानते हैं जिससे कि उनकी दही एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती है। दही हमारी छन गई है और ये बिल्कुल जैसे मार्केट में चाट वालों की दही होती है बिल्कुल उसी तरह की दही हमारी बन करके तैयार हुई है। अब इसमें हमें ये दही बड़ों को डाल करके हल्के हाथ से थोड़ा सा पानी इनका निकाल लें। जब भी आपको दही बड़े सर्व करने हो तो इनको आप दही में डिप करके रख लें और जब भी आपको दही बड़े खाने का मन हो आप निकालिए तैयार कीजिए। लाल चटनी जीरे का पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ये लाइन ऑन सेव डाल करके इसको मैंने गार्निश किया है। दही बड़े हमारे बन करके तैयार हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़े बन करके तैयार हुए हैं। अगर आप भी छोटे छोटे टिप्सों के साथ इनको बनाएंगे तो आपके दही बड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।